नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, ये सब ईडी सीबीआई के डर से इकट्ठा हुए हैं। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि आपके भावना की कदर की जाएगी। घोसी उपचुनाव में एनडीए की हार पर कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे और एनडीए 210 बूथों पर जीता है। महिला आरक्षण बिल को लेकर पूर्व मंत्री ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब वो मालिक थे तब साहस नहीं जुटा पाए। आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार को सपा और बसपा का समर्थन था, 3 साल से बिल लटका हुआ था। साहस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया और 33% महिला आरक्षण का बिल दोनों सदन से पास कराया। प्रदेश में एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने इससे पहले तुलसीपुर बलरामपुर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि जनता समाजवाद पार्टी को दगा कारतूस समझ रही है। प्रदेश में एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। आपको बताते चले कि 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तब क्या परिणाम हुआ था सभी को पता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इस बार दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, सभी लोग यूपी में कांग्रेस की स्थिति जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि 18% मुसलमानों को वोट लेने वाली सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।